Hello viewers, today I am going to solve the problem how to fix the file name is too long issue in Windows. जब आपके फाइल का नाम बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको किसी तरफ कॉपी करने, मूव करने और डिलीट करने में प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम क्यों होती है इसको जानते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। पहला है व्हाई इज फाइल नेम लेंथ इवन एन इशू इन विंडोज। फाइल की लेंथ का इशू क्यों होता है। द इजी फिक्स, द लेस इजी फिक्स, दो तरह से इसको फिक्स किया जाता है, इजी फिक्स और लेस इजी फिक्स। तो लेस इजी फिक्स में मूव, डिलीट और कॉपी फाइल और डायरेक्टरी यूजिंग पावर शेल, जिसके लिए आपको और एडवांस में स्टडी करना पड़ेगा। हम आपको बस केवल कमांड बता देंगे। कॉपी डायरेक्टरी यूजिंग कॉपी आइटम, मूव डायरेक्टरी यूजिंग मूव आइटम एंड डिलीट डायरेक्टरी यूजिंग रिमूव आइटम। मेक विंडो 10 एक्सेप्ट लॉन्ग फाइल पाथ। अब विंडो को इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो लॉन्ग फाइल पाथ को एक्सेप्ट कर ले। मेक विंडो 10 होम एक्सेप्ट लॉन्ग फाइल पाथ, मेक विंडो 10 प्रो और एंटरप्राइज एक्सेप्ट लॉन्ग फाइल पाथ। दो तरह की विंडो आपके पास है, विंडो 10 और विंडो 10 प्रो और एंटरप्राइज एक्सेप्ट लॉन्ग फाइल पाथ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें कॉन्फ़िगर हो ही जाए, और हो भी जाएगा तो उसकी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको इसको फिक्स करने में प्रॉब्लम होगी। सो लेट स्टार्ट। व्हाई इज फाइल नेम लेंथ इवन एन इशू इन विंडो। विंडो में फाइल लेंथ क्यों इशू है। सबसे पहले हम जो फाइल बनाते हैं तो उसमें 8 करेक्टर लॉन्ग फाइल का फर्स्ट नेम और 3 करेक्टर लॉन्ग एक्सटेंशन होता है। Things got better as new version of Windows came out. लेकिन जैसे जैसे विंडो के नए वर्जन आने लगे उसके फाइल लिंक रखने की पॉसिबिलिटी बढ़ती गई। We went from an old limited file system to something called a new technology file system. New technology file system took us to point where a file name could be 255 character long. अब ये जो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम आया उसमें आपका फाइल का नाम 255 करेक्टर लॉन्ग हो सकता था एंड द फाइल पाथ लेंथ कुड पोटेंशियली गो अप टू 32767 करेक्टर्स। सो हाउ कैन वी पॉसिबली हैव फाइल नेम दैट आर टू लॉन्ग। और पाथ जो आपका है 32767 करेक्टर जो इंटीजर के लिमिट है वहाँ तक हो सकता है। विंडो हैज थिंग्स नोन एज अ सिस्टम वेरिएबल। द सिस्टम वेरिएबल मैक्सिमम पाथ इज द वन दैट रिस्ट्रिक्ट फाइल नेम एंड फाइल पाथ टू अंडर 260 करेक्टर। लेकिन विंडो का एक सिस्टम है, वेरिएबल है, जिसके अंदर मैक्सिमम पाथ 260 करेक्टर्स हो सकता है। हाउ डू वी फिक्स इट देन। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। द इजी फिक्स वे, If you are fortunate, you will get the error and know exactly what file name is causing the issue. जब आप फाइल को सेव करते हैं तो आपको लॉन्ग फाइल नेम कह के एरर क्रिएट करता है। फाइल में भी हैव एनी फाइल नेम दैट लुक समथिंग लाइक, जैसे उसमें आपने यूजर SUS डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो वो दिखा देगा। फाइंड द फाइल इन द विंडो एक्सप्लोरर or file explorer it called in window 10. Click once on it and hit F2 to rename it and change that silly file name to something more reasonable file name and the problem will solve. How you will do it, just see. जब आप यहाँ पे जाते हैं, हमने कुछ फाइल डाउनलोड की है जिसकी बहुत लंबी फाइल नेम है। इस फाइल नेम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं F2 करके, और यहाँ पर जाकर हम IJ जैसे हमने और फाइल का नाम बदला है बदल सकते हैं। अब इस फाइल को इसी नाम की और फाइल है तो वो कह रहा है इस नाम की फाइल मत रखिए, तो हम इसको दूसरे नाम से रख सकते हैं। J नाम से फाइल है तो
हम के रख देते हैं। अब ये फाइल सारी हमारी IJKLM कर देते हैं, के भी है तो हम इसको एम कर देते हैं, या इसने के टू ले लिया एम कर देते हैं। अब इन सारी फाइल्स को हम डिलीट कर सकते हैं, तो कंट्रोल ए करके हम जब डिलीट करेंगे तो ये फाइल हमारी किसी तरह से डिलीट नहीं हो रही थी, अब डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से विंडो में इजीली हम लॉन्ग फाइल को और डायरेक्टरी को और फाइल नेम को हम डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए आपकी जो डायरेक्टरी FF है इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी है। इसी तरह से ये फाइल में भी ढेर सारी फाइल है जिसका फोल्डर एम्प्टी है, तो ये फोल्डर जब एम्प्टी है तो इसको भी हम हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम डिलीट दबा देंगे, तो ये फोल्डर भी इस तरह से हमारे यूजलेस फोल्डर इसमें यूजलेस फाइल बनी है उनको हम हटा सकते हैं। तो ये हमने फाइल हटा दी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लेस इजी फिक्सेस। वो तो इजी फिक्स था कि कैसे हम फिक्स करेंगे। इट्स इजंट ऑलवेज दैट इजी टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। Sometimes you may not be able to change the name of file or directory. लेकिन कुछ cases में फाइल का नाम rename नहीं होता है। The following solution will do the trick for you and they aren't hard to do. लेकिन इसके लिए हमें PowerShell की help लेनी पड़ेगी, जो move, delete और copy file और directory को करता है using PowerShell. Sometimes you get the error when trying to move, delete or copy directory where the character count for the file path is more than 260 characters. जैसा कि उसने बताया कि विंडो में 260 character तक आपका फाइल नेम चल सकता है। Note that the word directory and folders are interchangeable. अब word की directory and folder जो होती है interchangeable. We will use a directory going forward. The following PowerShell command let can also use in file. अब उसके लिए आपको PowerShell सीखना पड़ेगा, लेकिन हम आपको कुछ कमांड बता देंगे जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत काम जान जाएंगे। Perhaps the file path looks something like. अब देखिए ये फाइल जो है जिसका पाथ इतना ज़्यादा बड़ा है, इसको जब हम कॉपी डिलीट और मूव करेंगे तो या रीनेम करेंगे तो ये रीनेम नहीं होगा। This file path is 280 character long, so we cannot copy directory out of there to somewhere else with the normal copy paste method. We get a destination path too long error. अब ये हमारे path too long error देगा। Copy directory using, अब हम इसको कैसे copy करेंगे? We want to copy directory this and its content into this that new folder. Let use the PowerShell CMD let copy item with a parameter destination and recurs. Recurs means कि जो अपने event को बार बार खुद ही call करे और तब तक करता रहे जब तक कि काम ना हो जाए. Destination tells PowerShell where we want the copy to. किस जगह पे आप कहाँ पे copy करना चाह रहे हैं वो destination बताए. Recurs tells PowerShell to copy all the item inside to the destination. अब जितने भी फाइल में फोल्डर में फाइल्स हैं उनको सबको कॉपी करेगा कहाँ पे डेस्टिनेशन में. Copy leaving the original where they are and makes all new one in the destination. Copy, अब इसमें कमांड क्या है? Copy item. This is the command. This is the file, the current file which directory where you where from where you want to copy the files on the destination. So the next command is dash destination that new folder. Kis folder mein se? That new folder mein se. Aapko kab tak karte rahiyega? Jab tak ki sari file recurs nahi ho jati, copy nahi ho jati, bar bar wo hi kaam karta rahega jab tak ki sari file this directory se new folder mein copy nahi ho jati. इसी तरह से हम डायरेक्टरी को मूव भी करेंगे। वी कैन यूज अ पावर सेल सी एम डी लेट मूव आइटम विद अ पैरामीटर पाथ एंड डेस्टिनेशन।
Part defines the item we want to move, and a destination tells Power Cell where we want it. The CMD let will put this inside of that new folder. It will also move everything that is inside of this directory. Move item can be used to move file or directory, and it works regardless of file path or file name length. अब हम जब मूव आइटम यूज करते हैं तो उसको पार्ट देना पड़ता है, डिस डायरेक्टरी देना पड़ता है, डेस्टिनेशन देना पड़ता है और न्यू फोल्डर देना पड़ता है जिसमें दैट न्यू फोल्डर देना पड़ता है जिसमें से फाइल कॉपी होकर डेस्टिनेशन में मूव हो जाती है। नेक्स्ट है डिलीट डायरेक्टरी यूजिंग रिमूव आइटम। अब इन इफ यू वॉन्ट टू डिलीट दिस डायरेक्टरी एंड एवरीथिंग इन इट we use the remove item cmd let. The remove item cmd let has some built-in safety that make it difficult to delete the directory with things inside of it. We want to delete everything, so use the parameter minus recursive to make it delete everything inside and post to make it to do that without asking us if we are sure for every item inside. So we want recovering anything deleted, they say, would be extremely difficult. So do it if very sure you want to delete. लेकिन इसमें एक लॉज भी है, इसमें सारी चीज आपसे बिना पूछे डिलीट हो जाएगी और अगर आप बहुत श्योर हैं तभी इसको यूज करिए। रिमूव आइटम दिस रिकर्स पोस्ट और सगली दिस में से सारे आइटम को वो दिस डायरेक्टरी में से सारे आइटम को डिलीट कर देगा। Make window can accept long file path. There are two ways we can do this. One is for Windows 10 home user, other is for Windows 10 Pro or Enterprise user. This method may work for Windows 8.1 or earlier, but we cannot guarantee that. और हो सकता है वो 8.1 window में भी काम करे और उससे early version भी, लेकिन हमको guarantee नहीं दे सकते। Make window 10 home accept long file path. We need to open the registry editor. इसके लिए सबसे पहले registry editor को open करना पड़ेगा, जिसके लिए हम run में regedit.exe को type करेंगे तो registry editor open हो जाएगा। और अगर आपको registry editor में अच्छे से काम करना हो, आता हो, तभी इसको करिए, या फिर registry की बैकअप पहले बना लीजिएगा उसके बाद कुछ काम करिएगा। इफ यू हैवंट वर्क इन रजिस्ट्री एडिटर बिफोर बी कॉन्शियस, एक्सीडेंटली डिलीटिंग और चेंजिंग थिंग इज हेयर कैन स्टॉप विंडो फॉर वर्किंग कम्प्लीटली। ऑलवेज मेक अ बैकअप ऑफ योर रजिस्ट्री बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस। रजिस्ट्री में कोई चेंज आप करते हैं तो रजिस्ट्री की बैकअप पहले बना लीजिए, नहीं तो विंडो काम करना बंद कर देगी। वंस यू हैव रजिस्ट्री एडिटर ओपन एंड यू बैकअप made, navigate to the location HQ local machine. जब आप regedit.exe लिख करके regedit को open करिएगा तो आपको HQ local machine मिलेगा, उसके अंदर system मिलेगा, system के अंदर current control set मिलेगा, उसके अंदर control मिलेगा, उसके अंदर file system मिलेगा and find the key long path enabled. और वहाँ पे कि अगर वो activated है तो एक्टिवेटेड नहीं है, अनेबल नहीं है तो उसको अनेबल कर दीजिए तो आपके लॉन्ग फाइल को वो एक्सेप्ट करने लगेगा। डबल क्लिक ऑन लॉन्ग पाथ अनेबल इन द वैल्यू डेटा फील्ड, मेक श्योर द नंबर 1 इज इन देयर, क्लिक ओके टू कमेंट द चेंजेस। और वहाँ पर जब आप उसको क्लिक करिएगा तो नंबर 1 वहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप देख लीजिए और उसके बाद कमिट कर दीजिए तो आपका चेंज हो जाएगा और आपकी लॉन्ग फाइल को वो एक्सेप्ट करने लगेगा। मेक विंडो 10 प्रो एंटरप्राइज एक्सेप्ट लॉन्ग फाइल पाथ। टू अलाउ विंडो 10 प्रो और एंटरप्राइज टू यूज लॉन्ग फाइल पाथ, वी आर गोइंग टू यूज अ ग्रुप पॉलिसी एडिटर। अब आपको ग्रुप पॉलिसी एडिटर पे भी काम करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो रजिस्ट्री की बैकअप बनाइए। इट्स टूल that allow us to set policy on how window operate at the computer and the user level. Open group policy editor by going to the start menu and typing the gt edit. The top result should be edit group policy, double click on that.
सबसे पहले आपको एडिट ग्रुप पॉलिसी मिलेगा, उस पर डबल क्लिक करिए। वंस द ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन, नेविगेट टू द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, देन एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, देन सिस्टम, देन फाइल सिस्टम। देयर यू विल सी द पॉलिसी एनेबल विंडो, 32 लॉन्ग पार्ट या शॉर्ट फाइल नेम 8 एंट्री मिलेगा, उसको आप एक्टिवेट करके आप अपनी फाइल को लॉन्ग फाइल के लिए अनेबल कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन इट टू एडिट द पॉलिसी सेटिंग, चेंज इट फ्रॉम डिसेबल और अनेबल, देन क्लिक ओके बटन टू कमिट द चेंजेस। लेकिन इन सब चेंजेस को करने से पहले आपको श्योर होना चाहिए कि उसके कुछ इफेक्ट गड़बड़ भी हैं, अगर आप उसको टैकल कर सकते हैं तभी करिएगा। द पॉलिसी मे नॉट टेक इफेक्ट राइट अवे, यू कैन पोज द ग्रुप पॉलिसी टू अपडेट दो, बट अगेन बी अलर्ट। अब पॉसिबली इस पॉलिसी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आप अलर्ट रहिए क्योंकि इससे आपके सिस्टम में प्रॉब्लम फोल्डर लेवल और हाई लेवल पे हो सकती है। तो अगर बहुत आपको अच्छे से जीपी एडिट यूज़ करना आता हो या उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं तभी उसको यूज़ करिए। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर। फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू कम्युनिटी कमेंट ऑन वीडियो एंड पोल। Join my Telegram channel, Tech Rakan. Thank you.